सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेडीयू असहमत दिख रही है। जेडीयू नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने कोर्ट का पूरा फैसला नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उसके हिसाब से इस मुद्दे से कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, खासकर क्रीमी लेयर वाले फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। सर, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ दलित नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसला जिस फैसले को दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से उस पर कमेंट करना और पूरी तरह से उस फैसले पर कुछ मतलब, लेकिन मेरा एक दो तीन उसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि कोटा विद इन द कोटा नहीं है, वो तो मान लीजिए कि हमारे नेता ने 10 साल पहले दिया था, महादलित बना करके जो एक सेक्शन जो दलितों में जो पिछड़ा पड़ा हुआ था उसको कोटा के अंदर प्रमोट हम कैसे करें, राज्य सरकार की योजना का लाभ उनको पहले कैसे मिले, उसका उन्होंने प्रावधान किया था। तो वो तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में जो हमारा जात है, कास्ट है, उसको शेड्यूल में डाला गया है। तो बहुत से कास्ट किसी राज्य में अनटचेबल थे, छुआछूत में आते थे, मगर कहीं नहीं थे। तो जिस राज्य में थे उस राज्य में तो उनको मिला, मगर दूसरे राज्य में नहीं मिला। तो अगर आप रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट के कास्ट को देखिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की जो बात कही है, तो इस पे आप लोगों की राय क्या है, ये जेडीयू की राय क्या हो सकती है, आपकी राय क्या हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पूरी तरह से जब तक कि फुल फ्लेजेड हम पूरी तरह से उस क्या कि वो काफी लंबा जजमेंट है, तो उस जजमेंट को हम पूरी तरह से देख नहीं ले, एनालाइज नहीं कर ले, तो मेरा इसमें या पार्टी की तरफ से मेरा कमेंट करना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक दलित होने के नाते मेरा जो समझ है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, क्रीमी लेयर का बात ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या को क्या संविधान का जो मूल जो स्वरूप था उसके मुताबिक है नहीं है, ये सब बहुत बड़ा बहस का विषय है। आईएएस और आईपीएस का बच्चा या जो बिजनेसमैन है उसका बच्चा अगर वो है, तो क्या वो उस कास्ट से निकल गया, क्या समाज एक्सेप्ट कर रहा है, वो ये सब डिबेटेबल इशू है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच ने कहा है कि अब सरकार ऐसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों को भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकेगी। इस फैसले के बाद आरजेडी ने असहमति जताते हुए सवाल खड़े कर दिए। जाति आधारित गणना की रपटे नहीं आ जाती, एक साइंटिफिक आंकड़े नहीं आ जाती, तो फिर मैं इसे संविधान सभा और पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं देखता हूं। इसे राष्ट्रीय जनता दल का मत साफ है। और खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने लोकसभा में बिहार की यूनिवर्सिटी में लेट सेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सेशन लेट होने के कारण 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट होता है, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ता है। सांसद राजेश वर्मा ने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लिए एक यूनिवर्सिटी की भी मांग रखी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक प्रमुख विषय जो बिहार का भी उसको उठाना चाहूंगा, जो सेशन डिले का विषय है, जहां एक तरफ बिहार के हमारे नौजवान साथी शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत है, वहीं पर यूनिवर्सिटीज का सेशन 3 साल के बजाय 5-5 सालों में पूरा होता है, जिससे वो अपने आगे आने वाली जो पढ़ाई है उसको पूरी ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाते। मैं चाहूंगा उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट हो, और क्योंकि ये बात बिहार की है और युवाओं की है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बीज बोलो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, और आप दिशा दे दो, बिहार के नौजवान इस राष्ट्र को सवार देंगे, इस राष्ट्र को सवार कर देंगे। साथ ही साथ
मैं चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र खगड़िया में अध्यक्ष महोदय एक यूनिवर्सिटी की मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं। और गया से दुखद खबर मिल रही है, दो शिक्षकों की दर्दनाक मौत हुई है। एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर इन दोनों शिक्षकों की मौत हुई है। कोचिंग में दोनों शिक्षक पढ़ाते थे, रेल ट्रैक क्रॉस करने के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। अजय और मुकेश यादव के रूप में इनकी पहचान की गई है। कस्था स्टेशन के हसनपुरा के पास की यह पूरी घटना है, जहां कोचिंग में पढ़ाने वाले दो शिक्षकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। गया से इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं। अजय और मुकेश के रूप में इनकी पहचान हुई है, दोनों कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे। हसपुरा रेलवे गुमटी के पास ये पूरा दुखद हादसा हुआ है। और सीवान के मेहरबा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निरीक्षण किया और निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की। साथ ही सभी ब्लॉक में जाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करते हुए हर महीने प्रगति रिपोर्ट मांगी और कंपनी के इंजीनियरों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ साथ तय समय सीमा के अंदर मेडिकल कॉलेज को तैयार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बताया कि लोगों की सुविधा के लिए 568 करोड़ 84 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। जो हमारे मेडिकल पढ़ने वाले छात्र हैं और जो जिन लोगों को यहाँ अस्पताल में सुविधा मिलेगी, तो एक बड़ा ये योजना है जिसका क्रियान्वयन हो रहा है और ये क्रियान्वयन शीघ्रता शीघ्र हो, समय से पूरी हो, इसलिए इसकी पूरी मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी और विभाग के स्तर पर लगातार की जा रही है। और हम सब लोगों की, पूरे जिले वासियों की ये इच्छा है, अपेक्षा है कि शीघ्रता शीघ्र समय से इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण पूर्ण हो जाए। और मुजफ्फरपुर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें डिप्टी सीएम और मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। विजय सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति तीसरी बार बहुमत से प्रधानमंत्री बना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मनोबल ऊंचा करके 2025 के चुनाव में जुटने की अपील की, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतने की भी उम्मीद जताई। हमेशा हम तैयारी करते हैं सुशासन के लिए, सत्ता के लिए नहीं, विकसित बिहार के लिए, क्योंकि विकसित भारत कदम बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा जब तक बिहार पूर्णतः विकसित नहीं होगा। उस अभियान में सभी कार्यकर्ता को सजग करके एक प्रहरी के रूप में आगे बढ़ने का हमने आह्वान किया है। और संवाद यात्रा लेकर गया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। उन्होंने तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर कहा कि सभी नेता को फील्ड में रहना चाहिए, तभी हर समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने 2005 अपराधियों की स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की मांग की, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ बना रहे। नेताओं को तो यात्रा क्या, नेताओं को तो हमेशा फील्ड में जाना चाहिए। जब फील्ड में जाइएगा तो वहाँ जो जमीन पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको जानिएगा, जनता से आप रूबरू होइएगा, उनकी समस्याओं से आप अवगत होइएगा। तो जब आप चीज़ों को जानिएगा तो उसका कैसे समाधान हो, इसके बारे में रास्ता निकालिएगा, तो अच्छी चीज़ है। जमीन को लेकर करके और कई मुद्दे को लेकर करके घटनाएँ घटती हैं, अपराध होते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि जब कोई घटनाएँ घटती हैं तो भाई उसकी तहकीकात की जाए, अपराधी को पकड़ा जाए, स्पीडी ट्रायल कराया जाए, उनको सजा कराई जाए, जिससे कि अपराधियों के मन में कानून का दर्शन। और राजस्थान के जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतक पूजा भोजपुर जिले की रहने वाली थी, वहीं उसके रिश्तेदार पूर्वी और एक युवा कमल की भी मौत हो गई। मृतक पूजा पहिया थाना क्षेत्र के सदौर गांव की रहने वाली थी, जो अपने परिवार के साथ विश्वकर्मा मार्केट इलाके में रहती थी। पूजा की शादी डुमरिया के संतोष से तय हुई थी और फरवरी से दोनों की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियों में जुटे परिवार पर अब आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। पूजा के परिवार के लोग जयपुर रवाना हो गए, वहीं लोगों ने पीड़ित परिवार की मुआवजे की मांग की है। दिल्ली बेसमेंट हादसे के अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक बार फिर से जयपुर में बेसमेंट में हादसा हुआ है, जहां की 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के संडौर गांव में इस समय हम मौजूद हैं और यहीं देखिए, ये उसी परिवार का घर है जिसकी एक बेटी की मौत इस हादसे में हो गई है। कैसे सूचना आप लोगों को मिली?
फोन के मैं सर सुबह में 7 बजे करीब में दूसरे ने फोन किया। क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली कि यानी पानी भर चुका है, एक लड़की है उसी न पाता है, यानी वहाँ के जो सरकार है पुलिस यानी छानबीन कर रहे थे, यानी मिली नहीं थी अभी लास्ट जो करीब 12 बजे करीब मतलब सर। मैंने कौन डेथ की है इस घर की, इस परिवार की? इस घर की लड़की है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पूजा कुमारी। अच्छा, तो शादी भी उसका होने वाला था तुरंत? हाँ, शादी तो होने वाला था सर, करीब यानी फरवरी में शादी होने वाला था उनका। शादी कौन लड़की, दूसरी लड़की कौन है? वो लड़की की बहन की लड़की है। अच्छा, जो उनके रिश्तेदार में है। तो ये परिवार कितना दिन से आप लोग का रहता है वहाँ जयपुर में? वहाँ पर 20 साल से रहता है। 20 साल से जी। उसी तरह का ही प्राकृतिक आपदा ही इसको हम लोग मानेंगे। बारिश हुआ, पानी लग गया, गड्ढा जहाँ पे लोग घर बनाए हैं वहाँ पे गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। तो किसी की होगी लापरवाही है, अगर वहाँ पे उस जगह पे अगर ज़मीन कोई खरीद रहा है तो सरकार को बैन करना चाहिए कि ये ज़मीन पे कोई खरीद रहा है तो घर मकान नहीं बनेगा। जयपुर जैसे शहर में इन लोगों का मकान था तो वहाँ पे तो बैन होना चाहिए कि ऐसे जगह पे घर मकान किसी का नहीं बना, लेकिन कोई करता नहीं है। मेरा भाई वहाँ पर गया तो भीड़ नहीं गया, वो पुलिस लोग मारने लगा वहाँ पर, मेरा भाई 3-4 घंटा खड़ा था, अभी भी वहीं है। तो लड़की मर गई, दो लड़की मरी है ना? हाँ, तो एक लड़की तो हम लोग का चाचा है, चाचा का लड़की है, एक रिश्तेदार। अच्छा, कहीं ना कहीं से ये बड़ा सवाल जरूर है कि सरकार इस पर एक्शन ले और इस तरह की घटनाओं को रोकने की दिशा में कारगर पहल करने की जरूरत है, ताकि जो लोग असमय मौत का शिकार हो जा रहे हैं उनके जिंदगी को बचाया जा सके। चंदन कुमार, News18 भोजपुर। और नीट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। नीट परीक्षा को लेकर दाखिल है याचिका, परीक्षा रद्द नहीं करने की वजह से बता सकता है सुप्रीम कोर्ट। 23 जुलाई को दोबारा परीक्षा से कोर्ट ने किया था इनकार। 10:30 बजे CJI की बेंच यह फैसला सुनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। नीट परीक्षा को लेकर दाखिल है याचिका, परीक्षा रद्द नहीं करने की वजह बता सकता है सुप्रीम कोर्ट। 23 जुलाई को दोबारा परीक्षा से कोर्ट ने इनकार किया था। 10:30 बजे CJI की बेंच फैसला सुनाएगी। और पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र के तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में हुई लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटे गए डायमंड रिंग के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि 6 दिन पहले दिनदहाड़े 3,70,00,000 रुपए की ज्वेलरी शॉप से डकैती हुई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी सनील शेख को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल STF और पुलिस की 10 टीम मुख्य अपराधी की तलाश में जुट गई है। तनिष्क शोरूम लूटकांड में गठित जो अलग अलग स्पेशल टीम्स काम कर रही है, उसी क्रम में वेस्ट बंगाल में जो मालदा में जो काम कर रही थी उस टीम के द्वारा एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसके निशानदेही के आधार पे जो कल हम लोगों ने बताया था कि जो 3 बाइक जो अपराध में प्रयुक्त हुआ था और साथ ही साथ तनिष्क शोरूम से जो लूटा गया एक ज्वेलरी है उसमें ज्वेलरी में से एक प्लैटिनम गोल्ड हीरा जड़ित अंगूठी बरामद किया गया है। और पटना में थाली और लोटा चोरी के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल है कि जिन लोगों को कानून अपने हाथों में लेने की इजाजत किसने दी। थाली के बहाने गाली, लोटा के आरोप में लात, ये तस्वीर पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के अजवन बैथानी इलाके की है। देखिए किस बेरहमी से 3 लोगों को पीटा जा रहा है। कोई लात से मार रहा है तो कोई डंडों की बरसात कर रहा है। गाली तो जैसे कव्वाली की तरह गाई जा रही है। इन लोगों का गुनाह, या ये कहें कि इनके ऊपर जो आरोप हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी
थाली और लोटा चोरी करने के आरोप में भीड़ ने इन्हें इतना मारा कि मरते मरते बचे हैं। पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में बादी सोमनाथ सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर 10 नामजद एवं 10 अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, कांड में आवश्यक कार्रवाई की जा रही। फिलहाल घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और DIG ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवाल है कि इन लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? क्या पटना के इस इलाके में भीड़ तंत्र हावी है? क्या इन बेकाबू भीड़ में शामिल लोगों को कानून का डर नहीं है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और गया में ठनके की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। बेलागंज थाना क्षेत्र के पनारी गांव में यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ठनका गिरा उस वक्त किसान खेत में पटवन का काम कर रहे थे। ठनके की चपेट में आने से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए, जिनका इलाज बेलागंज CHC में चल रहा है। पीड़ित के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बहुत दुख की बात है कि आकस्मिक घटना ठनका से हुआ। समय तीन बजे आदमी 8 था, जिसमें 5 को स्पॉट डेथ हो गया और 3 को इलाज में गया हुआ है हॉस्पिटल। अनुरोध है कि इन लोग का सरकारी कुछ सेवा मिलना चाहिए। और पूर्णिया के कस्बा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अवधेश यादव की हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का आरोप लगाते हुए 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने घटना के CCTV फुटेज की मदद से मामले की सख्ती से जांच कर रही है। की गोली मार के हत्या कर दी गई। इस संबंध में उनकी पत्नी के द्वारा 8 लोगों के ऊपर नामजद अभियुक्त बनाते हुए एक केस दर्ज किया गया है और उस केस में आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी एक व्यक्ति को डिटेन भी किया गया है, उसे आवश्यक पूछताछ भी की जा रही है। और बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र में 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर 2 लोगों ने थाने में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने PACL इंडिया लिमिटेड के एजेंट पर ठगी का आरोप लगाते हुए बताया है कि एजेंट के पास से 10 साल से किस्त में पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन पैसे रिटर्न करने के नाम पर एजेंट मुकर गया है और पीड़ितों के साथ मारपीट करने लगा है, जिसको लेकर पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।